हम तो बिग बॉस 16 को या बिग बॉस के किसी भी सीजन को, किसी भी यू नो इंसिडेंट को 1 घंटे में देखते हैं, लेकिन घर के अंदर के कंटेस्टेंट्स 24 घंटे उसे जी रहे होते हैं। हमें जो लाइव फुटेज भी दिखाई जाती है वो भी कुछ ही घंटों की होती है, और वो भी काफ़ी सारे एडिट्स के साथ होती है। लेकिन इस वक्त चलिए मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि आखिर घर के अंदर 24 घंटे रहने वाली, रहकर बाहर आने वाली सृजिता दे ने सुंबुल को लेकर कौन सी बड़ी बात कह दी है एंड सुंबुल के फैंस को कर दिया है अपसेट। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। घर के अंदर अब्दू तक को स्ट्रांग माना जा रहा है लेकिन सुंबुल को नहीं माना जा रहा। देखिए अब्दू को सब बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं, सुंबुल को भी सब बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब्दू 19 साल के हैं, सुंबुल 18 साल की हैं। एमसी स्टैन भी उसी रेंज के आसपास हैं, 20s में वो आ चुके हैं हालांकि। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद सुंबुल को बार बार टारगेट किया जा रहा है ये कहकर कि सुंबुल छोटी है, सुंबुल में अकल नहीं है, सुंबुल इमेच्योर है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इन सब चीज़ों पर जब सृजिता दे से हाल ही में सिद्धार्थ करण के इंटरव्यू के दौरान सिद्धार्थ ने पूछा कि क्या कहना चाहोगे आप, सुंबुल को लेकर क्या कहेंगे, घर का ऐसा कौन सा सदस्य जो आपको वीक लगता है, उस पर देखिए सृजिता क्या कहती है। क्या सुंबुल इतनी इनोसेंट है कि उनको वो समझ नहीं आ रहा? तो मुझे जो लगता है कि सुंबुल ऑब्वियसली काफ़ी यंग है, राइट? और आप जितने एज आपके बढ़ते हैं, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, उससे आपके सोच भी मैच्योर होने लगते हैं। तो ऑब्वियसली शी इज़ यंग, और कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे बोला भी है कि इस घर में ना आई कांट फाइंड आउट माई पोजिशन, कहीं ना कहीं मैं खो रही हूँ इस घर में। तो उसको डिपेंडेंसी की ज़रूरत है, शी वॉन्ट्स सम सपोर्ट और शी वॉन्ट्स टू बी डिपेंड, शी वॉन्ट्स टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन। क्लियरली सृजिता का ये मानना है, सृजिता का ये कहना है डिपेंडेंट ऑन समवन। इसी वजह से अंकल जब आए थे और अंकल ने जब उनको वर्न किया, आई वॉज वेरी हैप्पी कि ये लड़की कहीं ना कहीं इस घर में खो रही है। शायद अंकल की ये बात सुनने के बाद शी वुड अंडरस्टैंड एंड शी विल स्टेप बैक, बट वी वर शॉक्ड जब वो जाके अंकल बोल के गए और उसके बाद वो जाके शालीन को सॉरी बोल रही थी। सो वी वर वेरी शॉक्ड एंड दैट मोमेंट ऑल आई कुड रियलाइज वॉज मे बी शी इज गेटिंग सो वीक इन साइड द हाउस और मे बी शी इज गेटिंग kind of over, not overshadowed exactly, but vulnerable feel कर रही है, yeah, or maybe intimidate हो रही है because of lot of characters around her who have more life experience than her, right? Who are much elder to her. तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे दब रही है, तो that's the reason she is constantly looking for a mental support and a dependency. और जिस तरीके से सृजिता ने तो यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि शालीन पर काफ़ी डिपेंडेंट है, और सिर्फ शालीन नहीं बल्कि वो कोशिश इस बात की कर रही है कि जितना ज़्यादा डिपेंडेंसी हो सके वो ले सके। देखिए काफ़ी हद तक अगर आप इसको इमोशनल वे में समझने की कोशिश करें तो ये बात सच है, लेकिन हाँ सुंबुल स्ट्रांग है ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। सो सृजिता की बात से आप कितना अग्री करते हैं बताइएगा।